मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। बाजार जाती हूँ, बगैर कुछ खरीदे ही लौट आती हूँ। रफी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नौकरी से निकाला गया है। हाँ, तो ये तो मैं जानती हूँ ना, लोग तो यही समझते ना कि कुछ किया ही होगा। और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? सुबह का घर से निकला हुआ, अभी कुछ देर पहले वापस आया हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा? कल एक इंटरव्यू की कॉल भी है, अपनी हिम्मत से बढ़कर कोशिश कर रहा हूं यार। अब्बा जी को भी तो पता ही है ना, उन्होंने मदद के लिए कहा, और आपकी बहन नौकरी करने के लिए बाहर जा सकती है, लेकिन आपको पूछने के लिए नहीं आ सकती। सच बात तो ये है कि इस घर का रुख कोई तुम्हारी वजह से नहीं करता। और किनसे उम्मीदें लगाकर बैठी हो तुम? उस बाप से जिसके पास अपना घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे, या उस बहन से जो घर से नौकरी करने इसलिए निकली है ताकि इस बीमार शख्स की तबीयत पर मजीद बोझ ना पड़े? क्या 7 दिन? सात दिन में इंतजाम कैसे करेंगे वो? अब मुझे तो नहीं पता थी ये बात। इसलिए कहता हूं कि जब आधी मालूमात हो ना तो गैर जरूरी बहस नहीं करनी चाहिए। कौन सा तुमने सबको फोन करके कहना है कि हमारे घर आकर रह ले? फालतू कहेंगे आप।